दोस्तों आज बात होगी एशिया महाद्वीप में बसे एक बेहद ही खूबसूरत और विकसित देश जापान के बारे में, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का किंग भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ यह देश आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में जापान को निपोन के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है उगते हुए सूरज की भूमि। दोस्तों जापान लगभग 6800 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आकार के लिहाज से यह देश दुनिया का 62वां और एशिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 377,975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस देश की आबादी 12,60,00,000 के आसपास है, जो जनसंख्या के मामले में दुनिया का 11वां और एशिया का 6ठा बड़ा देश है। वहीं डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 347 लोग रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म और शिंतो धर्म को मानते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दोस्तों जापान में जो करेंसी चलती है उसे जापानी येन कहा जाता है, जो कि एक जापानी येन भारत के 64 पैसे के बराबर है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा जापान के लोग काफी फिट और तंदुरुस्त होते हैं और सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ के लोग 85 साल तक जीवित रहते हैं। पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कैसे होते हैं यहाँ के लोग इतने ज्यादा फिट? तो दोस्तों इस सवाल का बस एक ही जवाब है, वो है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों को जीने के लिए बस दो ही चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरी ग्रीन टी। दोस्तों इन सब चीजों से परे जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की लिटरेसी रेट पूरी की पूरी 100% है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, जब यहाँ के बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करवाया जाता है और वे अपनी इच्छा से पढ़ते लिखते हैं। और तो और दोस्तों यहाँ के बच्चे झाड़ू पोछा से लेकर अपने स्कूल की साफ सफाई भी करते हैं। जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन अपनी टाइम की बहुत पक्की होती है। अगर एक मिनट भी ट्रेन लेट हो गई तो समझिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। दोस्तों जापान में आपको मोटे लोग बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा हेल्दी और फिट माने जाते हैं। दोस्तों जापान का कॉलिंग कोड +81 है और यहाँ के लोग बाई ओर गाड़ी चलाते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे ब्रांडेड और महंगी कार बनाती है। जापान की टोयोटा मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा कारों का निर्माण करती है। जापान के होंशु प्रांत में स्थित माउंट फुजी पर्वत एशिया का दूसरा और दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो साल के 5 महीने बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों इसके अलावा भी जापान में 500 से ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत हैं। साथ ही आपको बताता चलूं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप अगर किसी देश में आता है तो वो है जापान में। जापान में हर साल छोटे बड़े मिलाकर 1000 से ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। जापान में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का तरीका भी बड़ा खास होता है। यहाँ के लोग नए साल के मौके पर कोई पार्टी शार्टी नहीं करते, बल्कि मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। दोस्तों जापान में खेला जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल सुमो कुश्ती है, जो यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। रहने के लिहाज से जापान सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ क्राइम ना के बराबर होती है। अगर आप अपना लगेज रख कर कहीं चले भी जाएं, तो आपके सामान को कोई छुएगा भी नहीं। दोस्तों जापान में एक ऐसा भी नियम है जिसके तहत आप रात के 12 बजे के बाद पार्टी शार्टी या नाच गाना नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।